and welcome to our YouTube channel Economics Study Point. मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस VVI टॉपिक या VVI क्वेश्चन फॉर जून जुलाई 2021 टर्म एग्जामिनेशन इग्नू MA इकोनॉमिक्स फॉर कोर्स कोड MEC 006 पब्लिक इकोनॉमिक्स टाइटल ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके. अब मैं शुरू करता हूं मेजर VVI क्वेश्चन फॉर कोर्स कोड MEC 006 ऑब्लिक पब्लिक इकोनॉमिक्स. ये पुराने स्टूडेंट के लिए पहली बात. दूसरी बात, 106 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है, इसका डिफिनेशन करना है और इट्स स्कोप पर डिस्कस करनी है, और क्या सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी है अप्लाइड वेलफेयर इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स में. दूसरा जो मेजर VVI टॉपिक है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर इन अ फेडरल सिस्टम और लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स. ये दो क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक के अंतर्गत आता है, इस पर आपको प्रिपेयर करना है नोट्स. उसके बाद गवर्नमेंट एंड मार्केट फेल्योर, रीजन एंड मेजर टू डील इट. ठीक है, गवर्नमेंट एंड मार्केट फेल्योर क्या है, किस कारण से होता है, आप कैसे इसको कॉप करोगे. ठीक है, दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इविजन, अलिंगम सैंडो मॉडल ऑफ टैक्स इविजन. ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन. उसके बाद करना है आपको टाइबोट मॉडल ऑन वेलफेयर गेन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. काफी बार ये रिपीट हो चुका है. और लिंडाल प्राइसिंग मॉडल ऑफ पब्लिक गुड्स, ये दोनों क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हो चुका है. ये दोनों मॉडल कभी कभी दे दिया जाता है, कभी एक मॉडल देता है, लेकिन दो में एक फिक्स होता है. क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट, क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट एंड इट्स टैक्स, रॉल एंड नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. ये कभी 12 नंबर और 20 नंबर में दोनों मिला के दिया जाता है, और इसके बीच क्या डिफरेंसेस है उसको हाईलाइट करनी है. प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत ही मेजर VVI टॉपिक है, काफी बार रिपीट हो चुका है. उसके बाद नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिपेमेंट, ये काफी इस कोर्स कोड में स्पेशली काफी रिपीट हो चुका है. कोऑर्डिनेशन फेल्योर एंड रीजन एंड मेजर, इट इज आल्सो वेरी VVI क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट मेजर फ्यूचर, मेजर करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम and prepare very well on private, public, merit, demerit goods, okay, and what is the role of government in provision of these goods. उसके बाद involves elasticity rule for optimal commodity taxation, and next privatization foster efficiency and innovation. जैसे इस तरह privatization efficiency और innovation को बढ़ाता है. Samuelson, Ferguson, social welfare function, ये दोनों के द्वारा जो develop किया गया है social welfare function, Samuelson and Ferguson, उस पर discuss करनी है. Ability to pay approach, कैसे एबिलिटी टू पे जो अप्रोच है कैसे हेल्प करता है इन इक्विटेबल टैक्स स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, सेटअप करने में. एक्सटर्नलिटीज इट्स ट्रैप एंड मेजर टू कॉप दिस प्रॉब्लम, एंड थ्री राइडर प्रॉब्लम इज आल्सो फॉर VVI टॉपिक फॉर जून जुलाई 2021 एग्जामिनेशन. मोनोपोली एंड इट्स रेगुलेशन. And final question, what is the view of classical and modern economics on public debt? Public debt पर modern जो और classical economics का क्या अपना opinion है, उस पर आपको prepare करनी है notes. और इतना कर लोगे, मैं इंश्योर करता हूँ आप 100% comfortable zone में हो. एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आएगा, you will be able to
राइट आंसर, यू विल बी एबल टू डील ऑल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एनी एनी ब्लॉक ऑफ योर कोर्स कोड, एंड आई थिंक एंड आई इंश्योर यू यू कैन राइट आंसर इजिली। तो इतना कर लेने पर, 21 को टॉपिक कर लेने पर काफी हद तक मतलब आपका एक बेटर टू बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा इस कोर्स कोड MEC 006 पब्लिक इकोनॉमिक्स। और एक बार डाउट मत कीजिएगा, जून जुलाई लिखने का मकसद यह है कि कोई एक्सपेक्ट जो टेंटेटिव डेट शीट आया है कोई जरूरी नहीं है कि उसी जून में हो, हमको लगता है कि एक्सटेंड भी कर सकता है, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन व्हाट काइंड्स ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू हैव इन द टाइम टू कम इन द मंथ टू कम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।